You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम एक वीडियो एंड टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ऑन हाउ यू कैन स्कोर बेटर इन योर सीबीएसई 2019 बोर्ड्स। इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रेडिक्टिव पेपर्स रिलीज किए हैं और आगे भी कुछ करने वाले हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने हमारे ऐप पर मैथ्स का पहला पार्ट टेस्ट रिलीज किया था। आप में से कुछ बच्चों ने बताया कि उनको उनमें से कुछ डाउट आया, तो आज हम वो मुश्किल क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि नेक्स्ट पेपर कौन सा रिलीज होने वाला है एंड आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले डाउट्स हम लोग ले लेते हैं। अगर तो आपको उस पेपर में कोई डाउट नहीं था तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट जो बच्चों को मैथ्स के पहले पार्ट टेस्ट में आया, वो क्वेश्चन अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वी होप आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जिनका सम है 56। तो हम लोगों ने मान लिया है कि हमारे पास जो 4 पार्ट्स हैं जो कि एपी बना रहे हैं, दे आर a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। प्लीज नोट कि हमने यहाँ पे जो डिफरेंस लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है ताकि कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। तो इसके बाद हम लोगों को जो गिवन है कि इन सब का सम है 56, उसको अगर तो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, विच वी आर कॉलिंग आर इक्वेशन नंबर 1। जो सेकेंड चीज़ हम लोगों को गिवन है वो ये कि ये 4 पार्ट्स कुछ इस तरीके से हैं, दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसका रेशियो विद द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू 5/6। एक्सट्रीम्स हमारे पास कौन से हैं, जो एंड वाले 2 पार्ट्स हैं, मतलब a-3d एंड a+3d डिवाइडेड बाई द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a-d, a+d विच आर द मीन्स, जो 2 बीच वाले हैं। दिस रेशियो इज इक्वल्स टू 5/6। तो हम लोगों को निकालना है कि ये 4 पार्ट्स क्या हैं। अब इन 4 पार्ट्स को निकालने के लिए हम लोगों को a की वैल्यू और d की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को जो 2 चीज़ें गिवन है उनको यूज करेंगे। सबसे पहले वी आर गिवन दैट द सम इज इक्वल्स टू 56। अब अगर तो आप इस इक्वेशन को देखें तो आप इसमें से काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 4a। यू हैव 1, 2, 3 एंड 4। 4a इज इक्वल्स टू 56 एंड दिस विल गिव यू a इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 4 विच इज 14। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक a की वैल्यू तो आ गई है। अब जो सेकेंड चीज गिवन है दैट इज इक्वल टू 5/6। इस इक्वेशन को अगर तो आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आप इसमें a की वैल्यू डालेंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इफ़ यू नोट हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को 5/6 के इक्वेट कर दिया है और फिर ये जो ब्रैकेट्स थे खोल करके मल्टीप्लाई कर लिया है। वी वुड सजेस्ट कि आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर a की वैल्यू 14 डाल के d की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन वी विल कम बैक एंड टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जब आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द नेक्स्ट स्टेप एज 6a² - 54d² इज इक्वल्स टू 5² - 5d². अब सिंपली हम a के टर्म्स इस साइड और d के टर्म्स को उस साइड कलेक्ट कर लेंगे एंड यू गेट a² इज इक्वल्स टू 49d² और d² इज इक्वल्स टू a² / 49। यहाँ पर आप a की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एज +(-2). आपको 2 वैल्यूज मिल रही है +(-2) क्योंकि आपके पास d स्क्वायर में है। तो जब आप यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो आपके पास d आएगा एज +(-2). तो अब हम लोगों को निकालने हैं कि 4 पार्ट्स कौन से थे। तो अगर तो हम लोग एज्यूम करें कि हमारे पास a है 14 और d है +2, तो आपके पास 4 पार्ट्स आएंगे ये 8, 12, 16, 20। यहाँ पर हमने और कुछ नहीं किया है, बस a और d के जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी है। हाउएवर अगर तो आप माने कि d की वैल्यू -2 है तो आपके पास 4 पार्ट्स ये आएंगे। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक फ्रैक्शन है। लेट अस स्टार्ट बाय अज्यूमिंग कि इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो x है
और जो डिनोमिनेटर है वो y है. सो दैट आवर फ्रैक्शन इज x अपॉन y. द सेकेंड थिंग दैट वी गिवन इज दैट द न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. द न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. दिस गिव्स अस y इज इक्वल्स टू x प्लस 3. उसके बाद जो चीज़ हम लोगों को गिवन है वो ये कि अगर तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें एंड वी ऐड दिस विद द ओरिजिनल जो हमारे पास फ्रैक्शन था, तो जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 29/20. तो ये चीज़ हम लोगों को वर्ड में गिवन थी जो हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में लिख ली है. अब बस यहाँ पर हम लोगों को y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 पुट करना है जो हमको यहाँ से आया, और हमारे इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी. अब अगर तो आप देखें कि हमारे इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है विच इज x, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जिससे हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी. वी वुड सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कीजिए. वी विल देन गेट बैक एंड टेल यू द करेक्ट सॉल्यूशन. वी होप आपसे इक्वेशन सही से सॉल्व हो गई होगी. इट इज अ स्लाइटली बिगर इक्वेशन, तो अगर तो आप लोग किसी भी स्टेप पर अटक जाएंगे वी वुड सजेस्ट कि आप वहीं पर वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आंसर को चेक कर लीजिए. तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस x अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 29/20. इस स्टेप के बाद हम लोगों को सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है. इन दोनों को फ्रैक्शंस को ऐड करने के बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय ओपनिंग द ब्रैकेट्स एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दिस. प्लीज नोट कि आपके यहाँ पर सारी वैल्यूज करेक्ट आई हैं. इसके बाद हम लोग सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. एंड इसके बाद वी विल बेसिकली जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द टू फ्रैक्शंस टुगेदर. तो यहाँ पर भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास जो जो वैल्यूज आई हैं और जो वेरिएबल्स आए हैं वो सारे सही आए हैं. इसके बाद हम लोग सिमिलर टाइप के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर लेके जाएंगे. सो आर इक्वेशन विल रिड्यूस टू समथिंग लाइक दिस. 11x² - 32x - 315 = 0. अब इसको अगर तो हमको सॉल्व करना है तो हम लोग सिंपली 32x को रिप्लेस कर देंगे बाय 77 and -45. प्लीज नोट कि माइनस साइन हम लोगों ने बाहर लिया है ताकि हमारा अंदर 32 आए और फिर वो -32 बन जाए एज वी हैव. अगर तो इस ब्रैकेट को अब हम खोलेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी एंड यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से हम लोग 11x को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास अंदर बचेगा x-7 और इन दोनों में से 45 को कॉमन लेंगे तो फिर x-7 बचेगा. अगर तो आपको इस स्टेप में कन्फ्यूजन आता है देन वी वुड सजेस्ट कि आप लोग हमेशा अपने एग्जाम पेपर में एक बार इस वाली इक्वेशन को खोल करके देख लें मल्टीप्लाई करके कि आपको वापस यही मिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत बार साइन की भी गलती यहाँ पर बच्चे कर देते हैं. तो इसके बाद वी गेट x-7 and 11x + 45 = 0 और इन दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी एज 7 एंड एज -45/11. सिंस हमारा जो x है वो एक होल नंबर होना चाहिए तो वी टेक x = 7 और क्योंकि x 7 है तो y विल बी इक्वल टू x प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 10. तो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y विच इज इक्वल्स टू 7/10. वी होप कि अब आप लोग ये वाले या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. अगर तो आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट आ रहा है और उसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे ऐप पर आपके पूरे सिलेबस की डिटेल्ड वीडियोस प्रेजेंट है. हमारे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अब अगर तो बात करें नेक्स्ट टेस्ट की, तो साइंस का पहला पार्ट टेस्ट हमारे ऐप पर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. अगर तो आपको इन चैप्टर्स को पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है तो हमारे ऐप पर इनकी भी सारी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है. हाउएवर अगर तो आपको सिर्फ इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है तो हमारे पास इन सब के रिविजन वीडियोस भी प्रेजेंट हैं. उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. हमने फिजिक्स के चैप्टर्स जिनमें से फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस भी बनाई हैं. उनका लिंक भी आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं. ऑल्सो वी वुड सजेस्ट कि पहले आप इन सभी रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और फिर इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए जस्ट लाइक यू वुड अटेम्प्ट योर फाइनल टेस्ट. हम लोगों ने हमारे ऐप पर इस टेस्ट का सॉल्यूशन भी डाल दिया है बट पहले से ही उसको मत देख लीजिए. पहले अच्छे से एक फाइनल टेस्ट दीजिए और फिर सॉल्यूशंस को यूज़ करके अपने आप को मार्क कीजिए और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया,
आपने कहाँ पर गलती कर दी एंड मेक इट अ पॉइंट टू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन योर फाइनल एग्जाम। अगर तो आप लोगों को इस पेपर में कोई भी डाउट आता है तो उसको इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे हम लोग उनको हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि अगला पेपर कौन सा रिलीज होने वाला है। अगर तो आप लोगों को पेपर्स के रिलीज होने का शेड्यूल देखना है तो हमारी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल रखा है। हम लोग हर वीक न्यू वीडियोस रिलीज करते हैं ऑन हाउ यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अवंती इज लॉन्चिंग न्यू वीडियो सीरीज। ट्यून इन एवरी मंडे फॉर जे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एवरी सैटरडे फॉर अ क्लास 10 वीडियो। वी विल ऑल्सो बी रिलीजिंग एक्साइटिंग साइंस वीडियोज, सो सब्सक्राइब नाउ सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस।